स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। y डबल प्राइम y प्लस 9y इज इक्वल टू 0। सपोज किया y इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर एम एक्स, तो इसका डेरिवेटिव लिया तो आ जाएगा y प्राइम m ई रेज्ड पावर एम एक्स, और सेकंड डेरिवेटिव लिया तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर ई रेज्ड पावर एम एक्स। ये इक्वेशन 1 थी हमारी, इसी में हम वैल्यू पुट करते हैं ये वैल्यू, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर ई रेज्ड पावर एम एक्स प्लस 9, और 9 के बाद y की वैल्यू पुट करनी है, ये वाली y प्राइम की, ये वैल्यू छोड़ देनी है 0। जी यहाँ पर देखें ये कॉमन आ गया, पीछे रह गया एम स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको उधर जाके डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया 0, तो ये बन गया एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9। तो स्क्वायर रूट लिया हमने दोनों साइड्स पर, तो ये आ जाएगा एम इज़ इक्वल टू माइनस 9। देखें इसका जब कटा तो 3 का स्केयर रूट तो होता है हमारे पास, 3 का स्केयर तो 9 होता है, ठीक है, लेकिन ये माइनस भी है तो स्केयर रूट माइनस 1 जो होता है वो एटा के बराबर आ जाता है। और ये देखें इसको हम यूँ कर सकते हैं ना, स्केयर रूट 9 और स्केयर रूट माइनस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई एटा, और इसकी वैल्यू आ गई 3, तो ये आ गया हमारे पास प्लस माइनस 3 एटा। तो चूँकि हमने स्केयर रूट ओपन किया इसलिए, तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। इसको हम लिख देंगे एम इज़ इक्वल टू 0 प्लस माइनस 3 ओटा, तो क्योंकि हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू वो यहाँ पर कोई भी नहीं है तो वो 0 होगी। अब हम एम वन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0 प्लस 3 ओटा, और एम टू की वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 3 ओटा। तो अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पर क्या है, 0 है हमारे पास अल्फ़ा है, और 3 हमारे पास क्या है बीटा। अभी हमने इसको अपने फार्मूला में पुट करना है। जी तो चूँकि यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की फॉर्म आ गई है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ये इमेजिनरी रूट्स हैं तो केस 3 है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर केस 3 अप्लाई हो रहा है। फार्मूला केस 3 का हमारे पास वाई इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर अल्फ़ा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। ये फार्मूला वैल्यू पुट करते हैं तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई रेज्ड पावर 0, 0 एक्स इंटू 0 हो जाएगा, और ये बन जाएगा सी वन कॉस 3x प्लस सी टू साइन 3x। जी तो ये देखिए हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा सी वन कॉस 3x प्लस सी टू साइन 3x। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन, क्योंकि e रेज पावर 0 हमारे पास हो जाएगा 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 1 ही रहेगा, ये सारा रहेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आ गया आंसर।